बनाने जा रहे हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया था और इन्हें छील लिया है, और साथ में मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, साबुत कहते हैं धनिया, तेज पत्ते, लाल मिर्च और दालचीनी के टुकड़े, और मैंने लिए हैं 3 टमाटर और हरी मिर्च और धनिया। पहले मैं अपने टमाटर को मिक्सर में पीस लेती हूँ, उसके बाद आगे की आपको दिखाती हूँ बाद में। हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे तेल, और क्योंकि हम भंडारे वाले आलू की सब्जी बना रहे हैं इसमें, इसलिए हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है, आप देख सकते हैं। इसे गर्म होने देंगे, मैं इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही तेल गिर गया मुझसे, हमको इतना एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं डालना, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे हम अपने हींग, साथ में हम ऐड कर देंगे अपने खड़े मसाले, एक चम्मच के करीब जीरा, इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। और जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और साथ में हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्च, एक बार मैं अपने मसाले को हिला देती हूँ, और इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी, जिससे हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाए और उनका जो कच्चापन है वो भी हट जाए। एक बार अपना मसाला चेक कर लेते हैं, हमारे जो टमाटर है ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तेल भी इनके ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार जितना आपको तीखा पसंद है, और 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर की। इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे, हम नमक इसमें बाद में डालेंगे, इसमें पहले हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो हमारा दही फट जाएगा। इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं एक बार, हमारे मसाले के ऊपर तेल बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, आप देख सकते हैं, यानी हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भूज के तैयार हो चुका है। हम इसे 1 मिनट के लिए अभी खुले करके और पका लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कच्चापन कच्चा होगा वो भी निकल जाएगा इसमें से। हमारा मसाला भून चुका है, अब इसे हम आलू को इसमें मोटा मोटा ऐसे हाथ से फोड़ के डालेंगे। और एक आलू को हम बिल्कुल बारीक कर देंगे, जिससे हमारी थोड़ी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए। और इसे मिक्स कर देंगे मसाले में अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि आलू हमारे अभी से मसाले मिलने के बाद कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। और इसमें डालने के लिए मैंने अपना पानी गर्म कर लिया है, जो मैं इसमें डालूंगी, साथ में ऐड कर देंगे अपना दही। मैंने 1 कटोरी दही लिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे।
और 2 मिनट के लिए इसे कवर करके हम रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं सब्जी में तेल दिखाई देने लग गया है। अब इसमें मैं अपने बाकी के मसाले ऐड करूंगी। काला नमक, आधा में काला नमक डालूंगी और आधा में सिंपल नमक डालूंगी, क्योंकि काला नमक डालने से सब्जी में फ्लेवर में बहुत अच्छा आता है। आपने देखा होगा हलवाई भी सब्जियों में काला नमक जरूर डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सब्जी का। और साथ में ऐड कर दूंगी मैं अपना गरम मसाला। इन सब चीजों को कर दूंगी मिक्स। और 1 मिनट के लिए इसे फिर कवर कर दूंगी, जिससे जो मैंने मसाला डाला है नमक वगैरह वो इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसे फिर दोबारा से चेक कर लेती हूँ। इसमें दोबारा से तेल साइड साइड होने लगा, आप देख सकते हैं कहीं से भी नहीं हो रही। मैं थोड़ी सी सब्जी ऐसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को छोटी वाली को गीली सब्जी पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी ये सब्जी इस तरीके से निकाल लेती हूँ। ऐसे भी बना के आप खाएंगे, ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और बाकी में मैं अपना पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे रख दूंगी, जिससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और हमारा जो मसाला है वो आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा तेल जो है सब्जी के ऊपर आ गया, यानी हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है और ये गाढ़ी भी सही हो गई। अब इसे हम कर देंगे बंद, क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी गाढ़ी जब होगी इसके बाद। आप देख सकते हैं कि सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना धनिया। इसको भी मिक्स कर देते हैं। हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है, भंडारे वाली। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारी भंडारे की सब्जी बन के तैयार है, और ये चटनी देखने में अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी उतनी अच्छी है। और अगर आपको मेरी मम्मी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके मेरी मम्मी की वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मम्मी की वीडियो देखने के लिए थैंक्स।